दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। अयोध्या पहुंचे उद्धव ने कहा, मैं पिछले 4 साल से सो रहे कुंभकर्ण को जगाने आया हूँ। उद्धव ने कहा, मंदिर के लिए कानून लाने के लिए सीने में मर्द का दिल होना चाहिए। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, हमें मंदिर बनाने की तारीख चाहिए, बाकी बातें बाद में होंगी। 26 साल बाद अयोध्या में फिर हिंदू संगठनों का जमावड़ा, कल विहिप के नेतृत्व में धर्मसभा। विहिप ने कहा, यह आखिरी धर्मसभा होगी, 33 साल से रामलला टेंट में, अब और इंतजार नहीं करेंगे। विहिप और हिंदू संगठनों की धर्मसभा को संघ का पहली बार खुला समर्थन। अयोध्या, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शनिवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां 4 साल से सो रहे कुंभकर्ण को जगाने आया हूं। सब मिलकर मंदिर बनाएंगे तो जल्द पूरा हो जाएगा। यदि कोई मंदिर बना सकता है तो वह श्रेय भी ले सकता है। उद्धव ने कहा कि हमें मंदिर बनाने की तारीख चाहिए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। उद्धव ने कहा, हर हिंदू की यही इच्छा है कि मंदिर जल्द से जल्द बने। यदि आप मोदी राम मंदिर पर अध्यादेश लाने जा रहे हैं तो शिवसेना निश्चित रूप से समर्थन देगी। इससे पहले उद्धव ने हनुमानगढ़ी के महंत संतोष वैदिक 108 ब्राह्मणों के साथ गौरी गणेश की पूजा की। इस पूजा में उद्धव का परिवार भी शामिल हुआ। विहिप कैंप के संत और मंदिर न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास भी शिवसेना के कार्यक्रम में पहुंचे। मंदिर जल्द बने, यही सबकी अभिलाषा, नृत्य गोपाल। महंत नृत्य गोपाल ने उद्धव को आशीर्वाद दिया, कहा, आप जल्दी राम मंदिर का निर्माण कराए, मंदिर जल्द बने, यही सबकी अभिलाषा है। उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ता भी 2 स्पेशल ट्रेनों से अयोध्या पहुंचे थे। उद्धव ने लक्ष्मण किले में संतों से मुलाकात की, शाम को सरयू आरती में भी शामिल हुए। रविवार सुबह रामलला के दर्शन का कार्यक्रम है। धर्मसभा के बाद सीधे मंदिर बनेगा विहिप। रविवार को यहां होने वाली धर्मसभा से पहले विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि यह हमारी आखिरी बैठक होगी, इसके बाद और सभाएं या प्रदर्शन नहीं होंगे, नहीं किसी को समझाया जाएगा, सीधे मंदिर निर्माण होगा। विहिप के संगठन सचिव भूलेंद्र ने कहा, हमने पहले 1950 सेकंड 1985 तक 35 साल अदालती फैसले का इंतजार किया। इसके बाद 1985 सेकंड 2010 तक का समय हाईकोर्ट को फैसला देने में लग गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई की अर्जी 2 मिनट में ठुकरा दी। दुर्भाग्य है कि 33 साल से रामलला टेंट में हैं, अब और इंतजार नहीं होगा।